जानवर लेकर आएंगे काटने के लिए, उनको ये बोलो कि चार पांच गोली लेकर आवे और अपना जानवर काटने के बाद एक गोली में जो पोटला है जी और उसका जो मुंडी है वो एक गोली में डाल के उसको बांध के रख देवे। स्ट्रेस पहुंचने का मतलब कि जिस तरीके से कभी जानवर हम घर से लेके कुर्बानी सेंटर तक जाते हैं तो उसके पीछे बहुत मचान करते हैं, उसको हार पहनाते हैं, एकदम जुलूस की जैसा लेके जाते हैं। तो डीसीपी साहब ने एकदम स्ट्रिक्टली मना किया है, हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं तो तुम भी हमारा सपोर्ट करो, वीडियो मत बनाओ, रिकॉर्डिंग मत करो, ये सब मत करो, सोशल मीडिया में वायरल मत करो। और कोई चाकू छुरी हाथ में लेके बदन में खून लेके रोड में ना दिखे, हमको जो रोड में दिखेगा हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, 295 दाखिल करेंगे उसके और दूसरे की। और इंशाल्लाह कल सब कंफर्म हो जाएगा कहाँ कहाँ का स्लॉटर हाउस, हमको परमिशन मिल चुका है और हमको कल मीटर मिल जाएगा कि कहाँ का स्लॉटर हाउस रहेगा। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर। अब नीट और JEE की तैयारी होगी भिवंडी में ही। जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल लेकर आए मुंबई के बेस्ट टीचर्स जो कि स्टूडेंट्स को कोचिंग देंगे भिवंडी में ही। अब हर रोज मुंबई ट्रेवल करना और परेशानी झेलना हुआ बंद। बैचेस स्टार्टेड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। GSC क्लासेस फॉर नीट, CET एंड JEE। पता है अबूजी आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट आयशा मेडिकल, नियर श्रीदेवी ज्वेलर्स, वंजारपट्टी नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से भिवंडी के अंदर कुर्बानी सेंटर को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है, बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। और हमने देखा है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद यहाँ पे महानगर पालिका ने बहुत सारी शर्तें रख दी है कुर्बानी सेंटर को लेकर। लोग उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़ हो गए कि परमिशन मिलेगी तो किस तरह से मिलेगी, पहले के जो कुर्बानी सेंटर थे 38 उनको क्यों रद्द कर दिया गया है, और अब नए कुर्बानी सेंटर के लिए क्या क्या दस्तावेज़ लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किसके किसकी परमिशन लगेगी, कहाँ बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा। तो ये सारे सवालों के जवाब लेकर हम आपके सामने आ जाए हैं। और हमारे साथ में भिवंडी वार्ड नंबर 10 के कॉरपोरेटर नगर सेवक आरिफ खान मौजूद है जो कि आज इन सारी बातों का खुलासा करेंगे। उन्होंने आज महानगर पालिका के लोगों से भी मीटिंग की, साथ ही साथ में भिवंडी के DCP योगेश चौहान सर से भी उन्होंने मीटिंग की और क्या बात हुई, क्या सारा खुलासा है ये आरिफ भाई हमारे साथ में बनाएंगे। तो हमारे साथ में आरिफ खान है। तो आरिफ भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आरिफ भाई क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की परमिशन लोगों को कैसे मिलेगी स्लॉटर हाउस के लिए, थोड़ा सा बताइए। पहली बात तो सबसे पहले मैं हमारे शहर के जो हनीफ कुरैशी साहब है और कासिफ सैयद साहब है इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने कोर्ट में जाके लड़ के भले से कुछ गाइडलाइन के साथ लेकिन परमिशन लाया उन्होंने। पिछली बार हमको परमिशन कहीं का नहीं था, जानवर काटने का भी परमिशन नहीं था, 30-32 केस हुआ था क्योंकि परमिशन था नहीं। लेकिन इन्होंने जो मेहनत करी है और इनके पीछे जो इनको सपोर्ट किए, मैं अपनी तरफ से और पूरे शहर की तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद अभी जब से कोर्ट की गाइडलाइन, कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद से हम लोग सब नगर सेवक जितने हैं हम लोग बहुत परेशान हैं। कमिश्नर से मीटिंग हो रही है, अधिकारी लोग से मीटिंग हो रही है, ACP साहब से कल मीटिंग हुई, फिर कल हमारी सीनियर शांतिनगर इंचार्ज से मीटिंग हुई, आज DCP साहब से मीटिंग हुई। तो हम लोग चाहते हैं कि कैसे भी मामला आसानी से जो हमारा ये त्यौहार है ये निकल जाए और कोई वातावरण ख़राब ना हो, इसके लिए पुलिस भी बहुत मेहनत कर रही है। और उसके बाद जो मामला है कुर्बानी का, स्लॉटर हाउस तो पहली बार पूरा कैंसिल हो गया था और अभी जो कोर्ट ने परमिशन दिया, ये नगर पालिका का मैटर नहीं है, कोर्ट की गाइडलाइन है कि इस शरायत में तुमको परमिशन मिलेगा, नगर पालिका को तुमको देना है। तो वो शरायत जो है वो हम लोगों ने पूरी करी है। कल भी हम लोगों ने बहुत से डॉक्यूमेंट, जहाँ हमको कुर्बानी सेंटर है हमारा उसके पास जो जगह है उस जगह का डॉक्यूमेंट हम लोगों ने आज जाके सबमिट किया है। ज़्यादा करके सब नगर सेवक लोगों ने जो कुर्बानी सेंटर जहाँ रहना चाहिए वहाँ का डॉक्यूमेंट हम लोगों ने सबमिट किए हैं। वहाँ का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, थोड़ा सा जैसे पुलिस की NOC है, RDO की NOC है, मतलब उसका जो भी प्रोसीजर है, नगर पालिका भी हमारे को बहुत कोऑपरेट कर रही है उसमें और हम लोगों ने पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। सीनियर साहब का सर्वे भी हो गया है और इंशाल्लाह कल सब कंफर्म हो जाएगा कहाँ कहाँ का स्लॉटर हाउस, हमको परमिशन मिल चुका है और हमको कल मीटर मिल जाएगा कि कहाँ का स्लॉटर हाउस रहेगा। लेकिन जब आज हमारी DCP साहब की मीटिंग हुई तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली हमको बोला है कि तुम शहर के लोगों को समझा दो, बता दो कि जो माहौल किसी तरीके से ख़राब ना हो, तुम अपना त्यौहार मनाओ और दूसरे के मजहब को भी किसी को ठेस ना पहुँचे, इस तरीके से मनाओ। ठेस पहुँचने का मतलब है कि जिस तरीके से कभी जानवर हम घर से लेके कुर्बानी सेंटर तक जाते हैं तो उसके पीछे बहुत मचान करते हैं, उसको हार पहनाते हैं, एकदम जुलूस की जैसा लेके जाते हैं। तो DCP साहब ने एकदम स्ट्रिक्टली मना किया है कि जानवर को एकदम आराम से चुपचाप सीधा कुर्बानी सेंटर लेके जाओ और कुर्बानी सेंटर में, जहाँ तुम्हारा सेंटर है, सेंटर के बाहर भी कुर्बानी नहीं होना चाहिए, सेंटर के अंदर होना चाहिए। बाहर एक डॉक्टर बैठेगा, उससे फिटनेस सर्टिफिकेट लो, उसके बाद ही जानवर काटना।
उसके बगैर जानवर काटोगे कार्रवाई होगी। तो अरे भाई इसके अंदर जिस तरह से जैसे कोर्ट की गाइडलाइन है तो उसमें सीसीटीवी वगैरह का भी जो है उल्लेख था, साफ सफाई का भी था, तो उसके ताल्लुक से क्या कार्य? नगर पालिका से हमारी बात हुई है, जहाँ जहाँ सेंटर मिलेगा नगर पालिका उसकी पूरी जिम्मेदार रहेगी, साफ सफाई की, गाड़ी लगाना उठाना ये करना वो करना सब रहेगा। लेकिन डीसीपी साहब ने क्या कहा है, नगर पालिका के भी लोग अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे और हमारे कंटिन्यू 3 दिन से कुरवाली सेंटर को ही लेके आए दिन मीटिंग चल रही है कि किसी तरीके से ये मामला हल हो जाए। तो आज डीसीपी साहब के जब वो हम लोग बैठे थे तो वहाँ नगर पालिका के भी लोग थे, नगर पालिका को भी डीसीपी साहब ने बहुत स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया है कि तुम जो निकलता है पोटला वगैरह ये जो गाड़ी में भर के लेके जाते हो तो तुम जिस रास्ते से जाते हो वहाँ से ऐसे जाओ कि कोई चीज़ दिखे नहीं उसमें, पूरा उसको भी गाड़ी उसको भी गाड़ी को भी पैक करके लेके जाओ, किसी की मतलब भावना हाथ ना हो। तो और ये भी कहा है कि हम लोग से भी ये कहा है कि तुम्हारे एरिए में जो जानवर लेकर आएंगे काटने के लिए उनको ये बोलो कि 4-5 गोनी लेकर आवे और अपना जानवर काटने के बाद एक गोनी में जो पोटला है जी और उसका जो मुंडी है वो एक गोनी में डाल के उसको बांध के रख देवे, वही रख देवे और बाकी दूसरी गोनी में गोश्त खुला मत लेके जाना, गोनी के अंदर डाल के उसको लेके जाना। अच्छा। और कोई चाकू छुरी हाथ में लेके बदन में खून लेके रोड में ना दिखे, हमको जो रोड में दिखेगा हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, 295 दाखिल करेंगे उसके और दूसरे की भावना भड़काने का केस करेंगे हम। अच्छा। और हम इस बार मुरव्वत नहीं करेंगे, बोले तुम अच्छे से अपना त्यौहार मनाओ और लोगों को भी तकलीफ मत दो, हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं तो तुम भी हमारा सपोर्ट करो, वीडियो मत बनाओ, रिकॉर्डिंग मत करो, ये सब मत करो, सोशल मीडिया में वायरल मत करो, अपने हिसाब से तुम अच्छे से तुम अपना त्यौहार मनाओ और कुर्बानी करो, हमको उससे आपत्ति नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर आया हमको देना है और हेल्प भी करना है तुम्हारी। अच्छा अरे भाई जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले साल बहुत सारे 30 से 32 केसेस हो गए थे यहाँ पे, तो इस बार ऐसी कोई तकलीफ या ऐसी कोई लोगों को डर वगैरह नहीं? नहीं, डर का मामला ऐसा है कि पिछली बार स्लाटर हाउस का परमिशन ही नहीं था और जितनी भी कुर्बानी हुई थी वो सब गैर कानूनी हुई थी। अब वो नहीं, अब जो स्लाटर हाउस के अंदर काटेंगे वो कानून के दायरे में रहेगा और जो बाहर काटेंगे रास्ते में रोड में घर के बाहर नीचे यहाँ काटेंगे तो वो गैर कानूनी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा। तो जो भी जानवर है जहाँ स्लाटर हाउस का परमिशन मिला हुआ है वहीं लाके वो जानवर काटो, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लो और उसके बाद जानवर काटो। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि स्लाटर हाउस का जो परमिशन आप लोगों ने दिया है तो लगभग सभी स्लाटर हाउस का आप लोगों ने कर लिया है, मतलब परमिशन मांग लिया है? हाँ, लगभग हम लोग जितने पुराने सेंटर थे उसमें से बहुत कुछ सेंटर को कैंसिल करके, जहाँ जो विवादित जगह थी उसको कैंसिल करके, जो क्लियर जगह थी जहाँ का डॉक्यूमेंट सब था, लगभग ज्यादा करके वही सेंटर अपने को अप्रूवल कल हो जाएगा। मतलब पब्लिक को अभी चिंता करने की जरूरत नहीं? नहीं, पब्लिक को चिंता करने की जरूरत नहीं है, नगर पालिका भी पूरा सपोर्ट करेगी, पुलिस की तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहेगा, लेकिन पब्लिक खाली साइनिंग नहीं मारे बस। अच्छा। कुर्बानी को कुर्बानी के तरीके से और अच्छे से करे, उसमें साइनिंग नहीं मारे, खून कपड़ा खून में लदा है, रोड में घूम रहे, चाकू छुरी हाथ में, ये सब पब्लिक ना करे। और क्योंकि ये बहुत मेहनत करके ये परमिशन आया है, जिन्होंने लाया उनको मालूम है कितना उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी है। हाँ, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब तक हमारा जो मेन स्लाटर हाउस है वो नहीं बन जाता है तब तक ये जो टेम्पोररी स्लाटर हाउस का परमिशन हमको मिला है 3 दिन के लिए, ये आगे भी कंटिन्यू रहे, हम ऐसा कोई कानून का उल्लंघन ना करें या कोर्ट के गाइडलाइन के खिलाफ ना जाए ताकि आगे किसी को जाके कोर्ट में ये कैंसिल कराने का मौका मिले। सही बात। अभी हमको जो टेम्पोररी स्लाटर हाउस का परमिशन मिल रहा है इसके लिए मिल रहा है कि हमारे शहर में स्लाटर हाउस है ही नहीं जी। अभी जैसे मुंबई में देवनार में एक स्लाटर हाउस है तो वहाँ पे कहीं परमिशन नहीं मिलेगा, सबको वहीं आना है। तो अभी हमारे शहर में स्लाटर हाउस नहीं है तो इसके लिए कोर्ट ने हमको हमारे जो धार्मिक जो हमारा त्यौहार है उसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने हमको टेम्पोररी 3 दिन का स्लाटर हाउस देने के लिए नगर पालिका को बोला है। तो मेरा ये बोलना है कि ऐसी कोई हरकत मत करो कि लोगों को कोर्ट में जाने का मौका मिले और इस ऑर्डर को कैंसिल कराने का नेक्स्ट टाइम मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। सबसे पहली बात ये है कि अब जो आम जनता है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए। जो स्थानीय नगर सेवक है और बहुत सारे जो सोशल वर्कर है उन्होंने मिलकर जो है सारी परमिशन स्लॉटर हाउस की जो रिक्वायर्ड थी, जो ज़रूरत थी, वहाँ पे परमिशन ले ली है। अब आपको सिर्फ जो है कुर्बानी करना। आरिफ भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसी कोई जो है हरकत या इस तरह के कोई क्या कहेंगे हम विधि ना हो कि दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचे और किसी को कोर्ट में जाने का मौका मिले दोबारा। तो दोबारा सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद बहुत मुबारक हो, कि हम सबकी ईद जो है शांति से गुजरे। मैं फिरोज मेमन द वॉइस से, थैंक यू।